हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपोर्टेंट कंटेंट्स बनेंगे, चाहे वो झारखंड से हो या फिर नेशनल और इंटरनेशनल, सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेक्चर एज यूजुअल करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में भी काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, तो क्लास को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एंड तक जरूर बने रहेगा। यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि जो झारखंड के सरकारी स्कूल हैं उसमें मिड डे मील में अब मड़ुआ के लड्डू के बाद मुनगा का पत्ता भी दिया जाएगा। डिस्कस किया था आपसे कुछ दिन पहले कि सरकारी स्कूल में मड़ुआ का लड्डू प्रोवाइड कराया जाएगा, तो अब मुनगा का पत्ता भी जो है दिए जाने की तैयारी किया जा रहा है ताकि भोजन में जो है पौष्टिकता बना रहे, यानी कि न्यूट्रिशन मेंटेन रहे। यहाँ पे एक पर्सन न्यूज में है, झारखंड मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उसके निदेशक नाम है किरण कुमारी पासी, नाम याद रखेगा इनका। बाकी आई ले चलते हैं मिड डे मील का हिस्ट्री की ओर। तो सबसे पहला बात, 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत किया गया था। किसके टाइम में? तो पीवी नरसिम्हा जी के टाइम में किया गया था, यानी कि उस समय वो प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के टाइम में एलपीजी रिफॉर्म आया था। बाकी ये जो योजना था वह चला था 1992 और 1997, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसको शुरू किया गया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, जेपीसी जब क्वेश्चन बनाएगी ना तब डाल देगी कि मिड डे मील स्कीम जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो पूरा पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और झारखंड अलग हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि आएगा 1997 से 2002, और झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड अलग हुआ। बाकी आइए कुछ और देख लेते हैं। सबसे पहला बात, जो मड़ुआ है उसको रागी के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको फिंगर मिलेट कहते हैं, वैज्ञानिक नाम एल्यूसिन कोरकाना है, इसको देख लीजिएगा, और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें लोहा, कैल्शियम और जो है अन्य जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और कैल्शियम का बोल सकते हैं कि यह सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि लायंस शेयर ऑफ कैल्शियम आपको मिलता है रागी से, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी कुछ अगर रागी के बारे में बात करूँ तो झारखंड में जो रागी है उसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ है गुमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भूलिएगा नहीं, गुमला डिस्ट्रिक्ट रागी का लीडिंग प्रोड्यूसर। और इंडिया में कोई पूछे कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक बोल दीजिए का, ठीक है। तो डिस्कस कर दिया इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में, आई होप कि यहाँ से काफ़ी नॉलेज आपको गेन हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए नॉलेज तो काफ़ी ले ली, अब मुझे भी बताइए कुछ, जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हो रहा है वह किस नंबर का हो रहा है और इसका शुभंकर क्या है, जरा ये बताइएगा। यहाँ पे देखिए, ये शुभंकर पहले इसको लॉन्च किया गया था लेकिन अभी यह न्यूज़ में है, तो गोवा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 नवंबर 2023 के डिस्कशन को, और इसमें आपको 3 से 4 दिनों का कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं आ रहा था, और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि एक मंथली जो है वीडियो लाया जाए कंटेंट अफेयर्स का, तो नवंबर से जो है से आपको मंथली कंपाइलेशन वीडियो देखने को मिलेगा झारखंड करंट अफेयर्स का स्पेशल। क्या इसमें नेशनल करंट अफेयर्स भी या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया जाए या फिर नहीं किया जाए, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट वाला सेक्शन है, उसमें 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस है, इसी के उपलक्ष्य में जो है 2014 से जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सैल्यूट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे देखिएगा तो गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के नर्मदा नदी पर देखिएगा 182 मीटर जो है ऊंचा जो है इनका प्रतिमा स्थापित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है प्रतिमा या मूर्ति आप लोग बोल सकते हैं। ये देखिएगा तो भारत के पहले जो है होम मिनिस्टर रह चुके हैं और पहले जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पता होगा पहले जो है भारत टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, तो बोला जाता है कि लगभग 565 रियासत जो रियासत है, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको यूनाइट करके जो है से भारत का रूप दिया गया था, तो इसीलिए इनको जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिस्मार्क जर्मनी के पर्सन थे जो कि यूनाइट किए थे जर्मनी को। बाकी कुछ चीज़ और याद रखिएगा, 1928 में आपको पता होगा बारादोली 17/11 हुआ था, तो उसका लीड जो है यही किए थे, उसमें जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था उसके द्वारा 22% जो है किसानों पर टैक्स लगाया गया था, जिसको विरोध में यह आंदोलन हुआ था, ये बात याद रख सकते हैं। और यहीं पे बारादोली में ही महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था, तो ये सब कुछ चीज़ आप लोग याद रखिए। बाकी वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाया जाता है 3 नवंबर को, और ये बात ध्यान रखिएगा जेलीफिश जो है एक फिश नहीं है, क्वेश्चन आपसे जनरल साइंस में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक फिश नहीं है, ठीक है, तो जेलीफिश ऑप्शन में रहेगा, तो उसको टिक लगा लीजिएगा, एक्चुअली में नाम में तो इसका फिश है लेकिन यह फिश नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं, ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है लेकिन यह करंट में क्यों न्यूज में आ रहा है आगे डिस्कस करूंगा। इनमें से किस स्थान पर एक नगर निगम है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जमशेदपुर, रामगढ़, धनबाद या फिर चाईबासा?
सही आंसर इसका सी है, एक नगर निगम धनबाद में है। जमशेदपुर देखिए, इसका जनसंख्या काफी ज्यादा 5 से 10 लाख देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है नगर निगम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। धनबाद, धनबाद देखिए क्यों न्यूज में आ रहा है, तो अभी झारखंड हाईकोर्ट है उसमें जो है उसने जो है धनबाद में जो प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर है उस पर जो है जो धनबाद नगर निगमों से जवाब मांगा है कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल जो है इस तरह से बढ़ चुका है, ठीक है। और देखिएगा धनबाद जो है भारत के टॉप 10 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें नाम इसका गिना जाता है। तो अभी झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर किया गया था, जिसके तहत जैसे हाईकोर्ट जो है इस पर संज्ञान लिया है। बाकी स्टेटिक डोज में याद रखिएगा, यहाँ पे झारखंड में कुल 9 नगर निगम है, रांची है, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, उसके बाद मानगो, फिर आदित्यपुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा यही आदित्यपुर जमशेदपुर क्षेत्र में कार्य करता है, जमशेदपुर में नगर निगम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। झारखंड का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो रांची है। 15 सितंबर 1979 को जो है से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और पहले यह नगर पालिका था 1869 में, तो बाद में इसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया था। भारत में सबसे पहले PIL न्यूज में आया, यहाँ PIL दायर किया गया था, तो जो PIL दायर किया गया था वो 1980s में जो है से आया था, PN भगवती उस समय जो है से जस्टिस थे और VR कृष्णा उन्हीं के टाइम में आया था। ऐसे तो यह कहानी चल रहा है 1970 से ही, लेकिन बाद में जो है पूर्ण रूप से आया था PIL बोलिए 1980 के दशक में। तो धनबाद इसका आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा धनबाद जो है झारखंड का सबसे पोल्यूटेड बोल सकते हैं कि यह सिटी है, और झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला यह जिला भी है। 58.13% जो लोग हैं वह झारखंड में शहर में रहते हैं, और सबसे कम देखिएगा शहर ग्रहण में लोग हैं गोड्डा में, 4.99% लोग जो है गोड्डा में शहर में रहते हैं, यानी कि सबसे अधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो धनबाद हो गया, और सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, तो वह हो गया आपका गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रखें। ये सारा चीज न्यूज में आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान संजय कुमार मिश्रा है, यह 14वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट न्यूज है देवघर से, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी पर हुए रोपवे हादसा, यहाँ पे इसको हुए को हटाइए, देवघर में जो त्रिकुट पहाड़ी है उस पर रोपवे हादसा 2022 में हुआ था, तो इस रोपवे को संचालन करने वाली कंपनी कौन सी थी, तो इसका नाम है दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ना, तो यही जो है रोपवे संचालन कंपनी था उस टाइम में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रोपवे का संचालन कर रही थी वो दामोदर रोपवे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था। तो अभी देवघर में रोपवे हादसा हुआ था, तो उस पर जैसे हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, ठीक है, कि कैसे कैसे आप लोग हादसा करवा दे रहे हैं, इतना कुछ याद रखेगा। देवघर का जो त्रिकुटा पहाड़ी है वो आपके लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसको ना रावण का हेलीपैड कहा जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि सीता हरण के बाद रावण जो है एक बार जो है इस पर जो है अपना जो पुष्पक विमान था उसको उतारा था। और त्रिकुटा पहाड़ी से एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है म्यूराक्षी रिवर, वो जो है यहीं से निकलते हैं त्रिकुटा पहाड़ी से, और कुछ देवघर में है, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी डैश बार कर रहे हैं, यानी कि कौन सी बार कर रहा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार। ये न्यूज में इसीलिए है और इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पहली बार जैसे गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो देख लीजिएगा गोवा जो है से पहली बार जो है राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कर रहा है। कुछ कुछ पर्सन है जो झारखंड से हैं और यहाँ पे देखिए कुछ पदक जीते हैं, तो आइए देख लेते हैं। झारखंड के पर्सन है राणा प्रताप, तो 200 मीटर बैक स्ट्रोक में यानी तैराकी से हैं रजत पदक जीते हैं। झारखंड की सपना कुमारी हैं 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीते हैं। बाकी झारखंड की आस्था उराव है वुसू में रजत पदक जीते हैं, और रोइंग पुरुष टीम ने झारखंड का ही है कांस्य पदक जो है से जीता है टीम ने। बाकी आइए कुछ बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स का हिस्ट्री के बारे में। तो 1940 में जो है मुंबई में इसका शुरुआत किया गया था, और इसको बहुत पहले देखिएगा तो भारतीय जो है ओलंपिक खेल यानी कि जो है इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जो है जाना जाता था, 1924 में लाहौर में शुरू हुआ था, ठीक है। तो बाद में देखिए इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में जो है नामित किया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होने हो रहा है, ठीक है, और शुभंकर इसका मोगा है जो कि एक बाइसन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि वहाँ पर इमेज में दिखाया था ना, आगे भी होगा इमेज देख लीजिएगा, यह जो है बाइसन है यानी कि मोगा इसका नाम रखा गया है, शुभंकर आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी झारखंड में जो है बोलिए एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है, उसका शुभंकर जूही को रखा गया है जो कि एक मादा हथनी है जिसका संबंध बेतल नेशनल पार्क से है, हो गया। और 38वां राष्ट्रीय खेल 2023 उत्तराखंड में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, अपकमिंग जो है गेम्स कहाँ पे हो रहा है इससे भी क्वेश्चन बनता है।
आंसर इसका ए हो गया। झारखंड ने कुछ प्लेयर्स को भी डिस्कस कर दिया डिटेल में, ओलंपिक का जो बोलिए कि जो नेशनल गेम्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर दिया, क्या क्या पदक जीता गया वो भी डिस्कस हो चुका है। अपकमिंग याद रखिएगा उत्तराखंड में आगामी होने वाला है राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता जागरूकता सप्ताह झारखंड में किस स्थान पर मनाया गया, राजभवन रांची, दरभंगा हाउस रांची, मुख्यालय सॉरी मुख्यमंत्री आवास रांची या फिर एचईसी परिसर रांची। आंसर इसका बी है दरभंगा हाउस रांची। यह जो है से सीसीएल जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है उसका जो है से मुख्यालय है झारखंड का दरभंगा हाउस रांची, तो वहीं पर जो है से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। आइए देख लेते हैं आखिर ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो सतर्कता जो जागरूकता सप्ताह है वह उस सप्ताह मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस पड़ता है। तो इस बार जो है से 31 अक्टूबर, मतलब इस वर्ष नहीं हमेशा से 31 अक्टूबर को होता था, तो इस साल देखिएगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर को जो है से मनाया जा रहा है। इसी सप्ताह में जो है से इनका जन्मदिवस है, तो उसी सप्ताह में जो है से केंद्रीय सतर्कता सप्ताह जो है से सॉरी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी 2023 का जो थीम है ठीक है विषय वो इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार को ना कहें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। ये जो जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है इसका मेन पर्पस है, सोल पर्पस है कि भ्रष्टाचार को जो है से कम किया जाए। बाकी आइए यहाँ पे देख लेते हैं सीबीसी, इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक आयोग है ध्यान रखिएगा। 11 फरवरी 1964 को जैसे इसको एस्टेब्लिश किया गया था के संथानम की अध्यक्षता में जो कमेटी बना था उसी के में है से उसी टाइम में जो है इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और ये देखिएगा तो ये जो है एक स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये जो सीबीसी है वह सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी है। बाकी इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो सीबीसी है वह पीके श्रीवास्तव हैं, और जो सीबीसी होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उनका जो ऐसे अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और 4 वर्ष के लिए या फिर 65 साल, दोनों याद रखिएगा, जो भी पहले हो जाए 4 वर्ष या फिर 65 साल दो पहले हो जाएगा वो लोग जैसे रिटायर कर जाएंगे, ये सब याद रखिएगा। के संथानम कमेटी के बारे में पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन से है, ठीक है। सारा चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच मनाया गया है इस वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ झारखंड के धावक गुरुबारी बंकीरा का संबंध किस जिले से है, ये पर्सन के बारे में पहले मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी मोटिवेशनल स्टोरी है इनका, आइए पहले देख लेते हैं। तो जो पर्सन है सबसे पहले याद रखिएगा ये जो है एक धावक है, दौड़ते हैं, तो ये जब चली थी इस इवेंट के लिए SGFI खेलो झारखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो कि रांची में हुआ था, तो जब ये पश्चिमी सिंहभूम से चली तो इनको पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। तो 100 मीटर जब गेम में ये पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि दौड़ में जब पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी इनको रोक दिया गया, बोला गया कि बिना शू के आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो किसी तरह से फुटबॉल जो है शू का जो है फुटबॉल में जो बूट पहना जाता है उसका मैनेजमेंट किया गया, अब यह 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीती। यही नहीं अभी और सुनिए, उसके बाद इनके दोस्त जो है 200 मीटर के लिए जो है प्लास्टिक बूट का जो है मैनेजमेंट किया गया उनके दोस्तों के द्वारा, तो 200 मीटर में भी जो है यह गोल्ड मेडल जीती। तो देख सकते हैं मुझे ये सब पढ़कर ये बस एक ही चीज़ याद आता है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, इनके बारे में आप लोग देखिएगा। तो ये क्या है, तो ये जो है काफ़ी जैसे गर्मी में जी रही थी, भूखे पेट रहकर किस तरह से मार भात खाकर जो है अपना जीवन यापन कर रही थी, और इस तरह के इवेंट में जाकर जो है इतना बड़ा मेडल अगर जीत रही हैं, गोल्ड मेडल मामूली चीज़ नहीं है, कोई भी इवेंट हो उसमें गोल्ड मेडल मायने रखता है, तो गोल्ड मेडल जीत रही है, तो काफ़ी जो है काबिले तारीफ आप लोग बोल सकते हैं कि अब इनके द्वारा कार्य किया गया है, तो इनके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी झारखंड की भी एक पर्सन थी जो कि अंडर 17 जो फीमेल का वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, उसके कैप्टन ऑस्टम उराव जो कि गुमला से हैं वो भी न्यूज़ में थे, उनका भी स्टोरी कुछ इसी तरह से था। तो आप लोग बस पुश करते रहिए, ठीक है, अगर कोई चीज़ आप लोग पाने की चाह रखते हैं तो आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा, गरीबी आपको जो है रास्ते में बाधा नहीं बनेगा, ऐसी ध्यान रखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोग पढ़े होंगे ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे आप लोग जो ज़्यादा जोर लगता है ना शुरुआत करने में ही लगता है, तो बस आप लोग अपने आप को पुश करते चलिए, धीरे धीरे काइनेटिक पहुँचेगा और फिर बाद में तो कहानी स्मूथली चलते रहेगा। तो ये पर्सन जैसे पश्चिमी सिंहभूम के हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, एक धावक है। पश्चिमी सिंहभूम देखिएगा तो ये जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी यही है, चिरिया आयरन ओर माइन भी यहीं पे है, ये बात ध्यान रखिएगा, किरीबुरू सनसेट पॉइंट भी यहीं पे है। ये जो इवेंट है ध्यान रखिएगा SGFI खेलो झारखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता रांची में हुआ था, 100 मीटर और 200 मीटर में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, तो इनके बारे में याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम की गुरुबारी बंकीरा है।
और खेलो झारखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो में ओवरऑल चैंपियन बना वह रांची डिस्ट्रिक्ट बना, 36 गोल्ड 24 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ सेकंड स्थान पर हजारीबाग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष राज्य के 21 जिलों के कितने प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया गया। पता होगा अभी झारखंड में काफी कम बारिश हुआ था ऐसे, तो बाद में बारिश हुआ जिसके चलते जो वाटर टेबल है थोड़ा सा ऊपर आ चुका था। तो 150, 158 या फिर 160 या फिर 263, आंसर इसका बी है 158। 158 प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र जैसे घोषित किया गया है, 263 प्रखंड झारखंड में कुल हैं। 21 जिलों के 158 ब्लॉक जो है से सुखाड़ घोषित किए गए हैं, बात ध्यान रखिएगा। इस वर्ष बोला जा रहा है कि 34% जो है से कम बारिश हुआ है झारखंड में। झारखंड देखिएगा तो सबसे बारिश वाला स्थान जो है से साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है ऐसे न्यूज में आता है, लेकिन कुछ बुक्स में आप लोग देखिएगा तो हजारीबाग भी लिख रखे हैं कि हजारीबाग में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो खरीफ का जो फसल है वह काफी ज्यादा जो है से हैम्पर हुआ था कम बारिश के चलते। तो किसानों को एक बात और बोला जा रहा था कि जो सरकार है वह 90% अनुदान पर जो है से बीज मुहैया कराएगी, गेहूं का, सरसों का, चना का और मसूर का। ठीक है, याद रखिएगा गेहूं, चना, सरसों, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ न्यूज में आ रहा था। बाकी झारखंड में अधिकतर जो बारिश होता है वो याद रखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के चलते होता है। झारखंड जैसे बताया था कुल प्रखंड 263 हैं, कुल अनुमंडल की संख्या यहाँ पे 45 है, जिसमें झारखंड अलग हुआ उसमें जो है से 33 अनुमंडल थे, नगर पंचायत 20, नगर परिषद 20, उसके बाद नगर निगम 9, यहाँ पे देख लीजिएगा 32,620 झारखंड में गांव हैं। ये सब कुछ याद रख सकते हैं, आंसर इसका बी है। झारखंड के बुढ़ा पहाड़, इस क्वेश्चन पे आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा। इस तरह का जो ऑपरेशन होता है आपको डायरेक्ट जो है से जेपीएससी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा या फिर जेएससी में पूछा जा सकता है। झारखंड में बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की रोकथाम के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राहत या फिर ऑपरेशन ऑक्टोपस, आंसर इसका डी है। बाकी तीनों ऑपरेशन के बारे में जरा लिखिए, आप देखते हैं कि जैसे किसको किसको पता है कि ऑपरेशन कब और किस लिए चलाया गया था। तो सही आंसर इसका ऑपरेशन ऑक्टोपस है। तो झारखंड में देखिएगा तो जो लातेहार गढ़वा क्षेत्र है उसमें जो बुढ़ा पहाड़ फैला हुआ है तो उसमें नक्सली गतिविधियों को रोकथाम के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। ठीक है, और एक ऑपरेशन और था लोहरदगा लातेहार सीमा पर जो कि बुलबुल जंगल में ऑपरेशन डबल बुल जो है से चलाया गया था, और इस पर वही पर्पस था कि नक्सली गतिविधि को रोकथाम के लिए था। काफ़ी जो है से हथियार भी इसमें बरामद किया गया था। तो अभी न्यूज में क्यों आ रहा है, तो झारखंड पुलिस के 16 पदाधिकारी हैं उनको गृह मंत्रालय का स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया गया है झारखंड के, बात ध्यान रखिएगा 16 पदाधिकारी को दिया गया है गृह मंत्रालय का, तो इसीलिए न्यूज में आ रहा है। ठीक है, बाकी भारतीय गृह मंत्री आपको पता होगा अमित शाह है, और इस पर देखिएगा तो सर्वाधिक जो मेडल दिया गया है वह सीआरपीएफ के जवान को दिया गया है, 51 जो है ऐसे लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। झारखंड पुलिस की स्थापना जो है 2000 ईस्वी में किया गया था, हेडक्वार्टर इसका रांची में। झारखंड में भी देखिएगा तो एक जो आतंकवाद निरोधी दस्ता है जिसको झारखंड जैगुआर यानी कि जेजे के नाम से जाना जाता है, इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका टेंडर ग्राम रांची में है, ये सब बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ आपको, तब रट गया होगा अगर लेक्चर जो है से कंटिन्यूसली आप लोग सुन रहे होंगे तो। बाकी ऑक्टोपस जीव को बारे में याद रखिएगा, इसका जो है से 8 लेग्स होता है, गलत बात है। ऐसी थी जब क्वेश्चन पूछी थी कि 8 लेग्स, इस पर जो है से आपको स्पोर्ट दैरर पूछे थे, तो जो ऑक्टोपस का लेग्स होता है उसको लेग नहीं टेंटेकल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 8 इसका टेंटेकल्स होता है, जिसको आप लोग लेग भी बोल सकते हैं लेकिन ये सही वर्ड नहीं है, इसे आप लोग देख सकते हैं। 300 मैच डबल ट्रिपल जितना टिक लगाना है लगा लीजिए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। 300 मैच खेलने वाली देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है, संगीता कुमारी, निकी प्रधान, सलीमा टेटे या फिर वंदना कटारिया, आंसर इसका डी है वंदना कटारिया, जिनका संबंध उत्तराखंड से है, बाकी तीनों पर्सन झारखंड से हैं, तीनों जो है से अभी जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है हॉकी का उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अब बार बार बोलता हूँ जो एशियन जो है से हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है हॉकी का फीमेल का, वो पहली बार भारत में हो रहा है, वो पहली बार झारखंड के रांची में हो रहा है। वंदना कटारिया यह उत्तराखंड की हैं, ध्यान रखिएगा पहली जो है से महिला खिलाड़ी बनी है 300 मैच खेलने वाली। बाकी जो वंदना जो कटारिया है वह 3 ओलंपिक खेलने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं। अब बाकी टोक्यो ओलंपिक बता होगा 2020 में जो फीमेल हॉकी टीम था वह 4th स्थान पर रहा था ना, ध्यान रखिएगा यही वंदना कटारिया। झारखंड के 65 सबसे अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में हेलीपैड बनाए जाएंगे और हेलीकॉप्टर मेडिकल सेवा शुरू की जाएगी, इसमें से सबसे ज्यादा हेलीपैड का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, साहिबगंज, रांची, लातेहार या फिर रामगढ़। सही आंसर इसका डी है, रामगढ़ में सबसे ज्यादा हेलीपैड बनाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
हेलीपैड क्या होता है? तो हेलीपैड एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर रुकता है। देखिए होता क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई सड़क दुर्घटना में लोग इंजर्ड हो गए तो उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जो है से पहुँचाना होता है। तो नॉर्मली जो है से आप लोग वैन से जाइए या फिर बस से जाइए तो जल्दी आप लोग नहीं पहुँच पाइएगा, हेलीकॉप्टर से आप लोग जल्दी पहुँच जाइएगा। तो और उसमें फर्स्ट एड का भी व्यवस्था रहेगा, ठीक है, और उस और बाद में जो है जल्दी से जल्दी उसको जो इंजर्ड पर्सन है उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। न्यूज़ आपको समझ में आ चुका होगा, तो रामगढ़ देख लीजिएगा। बाकी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में जो है झारखंड में टोटल 142 जो है ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया था, उसमें सबसे अधिक ब्लॉक जो ब्लैक स्पॉट है वह रामगढ़ में है 27, धनबाद में 19, गुमला में 18, बोकारो में 16 और रांची में 8। ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा, रामगढ़ को याद रखिएगा। यह जो है से झारखंड का 23वां जिला बना था, नहीं इस 24वां बोली 23वां खुटी बना था, तो 24वां जिला है। 12 सितंबर 2007 को इसको हजारीबाग से अलग किया गया था रामगढ़ को। चुट्टूपाली घाटी जिसको लाल की घाटी के नाम से भी जाना जाता है यहीं पे है, पोतात्रू डैम भी यहीं पे है। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे झारखंड वन लाइनर कुछ इंपोर्टेंट न्यूज। तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच कौन सा है, तो नाम है NH 33। तो अभी न्यूज में आ रहा था कि इसके किनारे जो पौधे लगाए गए थे वह काफ़ी जो है सूख गया था, तो जो है ये डिपार्टमेंट का लापरवाही है कि पौधे पर इतना ज़्यादा जो है खर्च किया जा रहा था फिर भी जो है से पौधे नहीं लग पाए। नया नाम इसका NH 22 है ना, याद रखिए। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बाकी जो नेशनल वाटरवे वन है ना, याद रखिएगा, ये जो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा क्योंकि गंगा नदी वहां से गुजरती है। भारत का देखिएगा तो विश्व में जल विद्युत उत्पादन में स्थान 7वां है, ऐसे तो एरिया वाइज भी भारत जो है 7वें स्थान पर है, लेकिन जल विद्युत के उत्पादन में भी भारत 7वें स्थान पर है, ये बात याद रखिएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर के लेखक कौन है, तो जिसान कादरी है। ये मूवी पहले न्यूज में था, आपको पता होगा, बहुत पहले बना था। अनुराग कश्यप जो है इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। जो धनबाद वाला रीजन है उसमें देखिएगा जो कोल माफिया है उससे रिलेटेड यह मूवी था। तो इन पर जो जिसान कादरी हैं लेखक हैं, तो इन पर जो है अभी देखिएगा तो 29 लाख का जो है धोखाधड़ी का मामला जो है आया था, जिसके चलते न्यूज में उतना चीज नहीं पूछा जाएगा, बस याद देखिए कि ये किसके लेखक हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर। केस मूर्ति भी HEC के कार्यवाहक जो है CMD बनाए गए हैं। HEC का स्थापना 1958 में किया गया था, याद रखिएगा। ये जो है आपको रांची में है HEC, चेकोस्लोवाकिया की मदद से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर ही उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस अभी झारखंड के राजभवन में मनाया गया था, 31 अक्टूबर को जो है मनाया गया था। आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 है और 35A है उसको जो है से मतलब एक तरह से बोलिए कि खत्म कर दिया गया था। या बाकी जो राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता है उसमें झारखंड से 20 बच्चों का चयन किया गया है। सिंगुर विवाद इसको याद रखिएगा, इसमें क्या किया गया था कि जो टाटा मोटर्स के द्वारा जो है से नैनो कार का जो है से कंपनी स्थापित किया गया था सिंगुर में, तो ममता सरकार पर जो है से मतलब ये नुकसान हो गया था, तो बाद में ममता सरकार को जो है से 766 करोड़ जो है से देना पड़ा, ठीक है, और ब्याज सहित 11% इंटरेस्ट चल रहा था, तो टोटल 1700 करोड़ रुपया दिया जाना है। तो सिंगुर विवाद के बारे में याद रखिएगा, ये नैनो कार्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अब आता है नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर न्यूज। तो उड़ीसा के अभी नए राज्यपाल बनाए गए हैं, आपको बताया था रघुवर दास 31 अक्टूबर को यह शपथ लिए हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रघुवर दास उड़ीसा के 26वें राज्यपाल के रूप में किस दिन शपथ लिया, और चार ऑप्शन डाल देगा, ठीक है। तो जिस दिन नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है उसी दिन जो है से या जो है से शपथ लिए थे। स्टेट बैंक इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं माही, ठीक है, नाम तो काफ़ी है। भारतीय शास्त्र और विज्ञान संघ का चौथा जो वार्षिक सम्मेलन है वह श्रीनगर में हुआ था। स्टेट बैंक इंडिया के स्थापना 1955 में किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है यानी कि पब्लिक सेक्टर का, और जो है से प्राइवेट सेक्टर पूछेगा तो ICICI लगा लीजिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। APTA होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो जो है से अभी अल्बेनिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था, ठीक है। ग्रे लिस्ट हटाने से मतलब क्या होता है, नाम देख लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, यानी कि आपको अगर इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया तो आपको अदर जो कंट्री है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से लोन आपको या फिर सहायता मिलता है वह बंद कर दिया जाता है। तो अल्बेनिया जो है से अभी इस लिस्ट से हटाया गया है। उसी तरह से जैसे घर में आप लोग ज़्यादा बदमाशी करेंगे, इधर उधर चक्कर काटेंगे तो पैसे आपको कम कर दिए जाते हैं, उसी तरह से कुछ हिसाब किताब है। अभी ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट जो है से होने वाला है प्रतियोगिता, तो उसका जो है से कहाँ पे होगा, तो दुबई में होगा।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी, यह आर्टिकल जो है से 348 कहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको स्टडी का इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है वह द हिंदू का जो लर्निंग कॉर्नर है उससे भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके चलते कुछ कुछ चीज़ आपको स्टडी का भी मिल जाता है। और शास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो है पहली महिला थी एलिनोर ऑस्ट्रोम, और अब तक कुल 3 महिलाओं को जो है शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह 1901 से दिया जा रहा है, और शास्त्र को नोबेल पुरस्कार सबसे बाद में शुरू किया गया था 1968 में, लेकिन यह दिया गया था पहली बार 1969 में। दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आईएसए फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था। टोटल देखिएगा तो 122 देश इसमें हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है से गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। आईएसए के वर्तमान में अध्यक्ष जो है से आर के सिंह हैं। बोला जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, उसके बीच का जो कंट्री है उसको जैसे आईएसए में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट जैसे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा संभावना होता है। और कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोला जाता है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी क्या करता है कि सन लाइट को सीधे जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय फाइनेंस FSB में हो चुका है। बाकी वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है वहाँ पे सचिन तेंदुलकर की जो है एक मूर्ति स्थापित किया गया है, उनके कद का ही, यानी कि जितना उनका हाइट है उन्हीं के उसी का हाइट का एक मूर्ति स्थापित किया गया है। बाकी फीफा विश्व कप 2034 सऊदी अरब जो है से मेजबानी करने वाला है, एक्सपेक्टेड है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि होगा ये, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। बाकी 2026 में अमेरिका कनाडा और मेक्सिको में जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है। पर्सियन ब्लू, देखिए पर्सियन ब्लू एक बोलिए कि पर्सियन ब्लू एक टेक्निक है जिसका उपयोग थैलियम विषाक्तता के एंटीडोट के रूप में किया जाता है। याद रखिए थैलियम जैसे एक रेडियो एक्टिव मेटल है, सिंबल इसका TH होता है ना, थैलियम। भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या राज्य कौन सा है? आप लोग तो पढ़े होंगे कि जो सिक्किम है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन बोला जाता है कि दूसरा सबसे अधिक कम जनसंख्या वाला राज्य होते हुए भी भारत में सबसे अधिक जो कैंसर के जो मरीज हैं वह यहीं से निकल कर आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। भारत देखिएगा तो 40% जो LNG है, यानी कि लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है, उसकी पूर्ति कतर करता है। कतर का कैपिटल जो है से दोहा है, और करेंसी यहाँ पे रियाल चलता है। आइए कुछ न्यूज़पेपर का कटिंग आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला है कि लगातार 5वीं बार जो है से भारत ने जीत दर्ज किया, किस में? वही है एशियन जो महिला हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है रांची में, ठीक है। तो भारत के द्वारा जो है बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है, 5-0 से हराया गया भाई कोरिया को, ठीक है। 5वां जो मैच था उसमें 5-0 से हराया गया, और इंडियन क्रिकेट टीम तो 7 बार जो है विजेता रहा है लगातार, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, आने वाले इवेंट में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा है, दोनों इवेंट आशा है कि भारत जीतेगा। लियोनेल मेसी की अनंत कथा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है 8वीं बार जो है बैलन डियोर जो है अवार्ड जीत चुके हैं। यह फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, बेस्ट फुटबॉलर को दिया जाता है। 2023 में जो है यह लियोनेल मेसी को दिया गया है। यह जो है अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह दोहा कतर में हुआ था। तो उसमें जो है अर्जेंटीना ही जो है वर्तमान में फीफा का जो है चैंपियन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना जो है फ्रांस को हराया था, ठीक है, ये सब कुछ याद रखिएगा। और बाकी जो है बेस्ट महिला फुटबॉलर देख लीजिएगा, यहाँ पे बनवाती जी हैं, ये जो है स्पेन की है ना, या रीड कर लीजिएगा आप लोग, टेलीग्राम पे आपका अवेलेबल रहता है सब, या इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। ये एक मास्टर संधि है जो कि 1993 में हुआ था, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन था उसकी स्थापना किया गया था 1993 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो है 27 इसके सदस्य हैं, पहले देखिएगा तो 28 थे, लेकिन बाद में ब्रेग्जिट हुआ, यानी कि ब्रिटेन का जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो है एग्जिस्ट हुआ, तो अब जो है इनसे कुल जो है 27 मेंबर ही हैं, तो कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेल शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था वह रॉबर्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सेल पर का प्रयोग किया गया था, और सेल की खोज जो किया गया था बोला जाता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। पता होगा जो अंतरिक्ष में सबसे पहला बार जिसको भेजा गया था वह एक जानवर था जिसका नाम था लाइका, तो ये कुतिया थी, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पुतनिक 2 से इसको भेजा गया था 1957 में।
बाकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तो सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, देख लीजिएगा। 182 मीटर का इनका जो है प्रतिमा यहाँ पे लगाया गया है, गुजरात की कोरिया डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पर है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इसको बोला जाता है, 2018 में इसको लगाया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारा सेक्शन जो था मैं आज सस्पेंड कर दिया हूँ क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा था, वीडियो जो है से 30 मिनट के आसपास का हो गया होगा। तो और सारा चीज़ मैं डिस्कस करता तो और जो है से वीडियो लंबा हो जाता, वीडियो का ड्यूरेशन लगभग जो है से 30 मिनट या उससे कम रहेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, वीडियो को लाइक शेयर।